आज हम बैठे हैं किसान संसद के स्पीकर और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह जी के साथ, पर बात होगी सबसे पहले कुछ उनके राजनीतिक जीवन की। तो देखिए, आपने अपने जीवन में जन आंदोलन देखे, कितने बड़े सारे जेपी आंदोलन देखा, बीपी सिंह का आंदोलन देखा, और आज ये किसान आंदोलन देख रहे हैं। क्या इन सारे आंदोलनों में कोई आपको सिमिलैरिटी या समानताएं दिखती हैं? देखिए, हमने देखा ही नहीं, आंदोलन हमने शुरुआत की। हमने देखा सिर्फ 67 का आंदोलन, जो डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का आंदोलन चलाया था। उस वक्त हम लोग फर्स्ट ईयर में कई विद्यार्थी थे और तब भी मैं जेल गया था। उस वक्त हमसे सीनियर लोग यूथ और स्टूडेंट लीडर थे। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट भी रहा पटना यूनिवर्सिटी का 70-71 में, और मुझे निष्कासित किया गया यूनिवर्सिटी से 72 में। निष्कासित करने के विरुद्ध 3 महीने लगातार हमने आंदोलन चलाए, और उस आंदोलन की गर्मी से ही हमने भूमिका 74 आंदोलन की बनाई। ये हमारे साथ पढ़ते थे लालू, नीतीश वगैरह तो बहुत जूनियर रहे हैं, सुशील मोदी वगैरह भी जूनियर रहे हैं, और हम लोगों ने मिल के भ्रष्टाचार, महंगाई, विद्यार्थियों के सवाल पर आंदोलन हो, इसकी भूमिका हम लोगों ने तैयार की। जयप्रकाश नारायण जी हम लोगों के राजनीतिक गुरु इस मामले में भी हैं, हमारे पिताजी जो गुरु रहे, हमारा उनके पारिवारिक रिश्ता रहा। हमारे पिताजी समाजवादी रहे हैं, एमपी रहे, एमएलए रहे, मिनिस्टर रहेगा, हमारे यहाँ लोहिया जी रहे, मधुरी में रहे, जयप्रकाश नारायण जी रहे, और जो हमने प्रेरणा पाई और जब हमने आंदोलन की भूमिका तैयार की, तो 18 मार्च को विधानसभा घेरने का जो हम लोगों ने ऐलान किया, उसमें विभिन्न छात्र युवा संगठनों को जोड़ा, और तब जब उसमें बेरहमी से कुचला गया, गोली चलाई गई, सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए, गुस्से में पब्लिक ने शहर के कई सरकारी प्रतिष्ठानों में आग लगा दी, जले हैं, अखबार जल गया, और जब दमन शुरू हुआ हम लोगों पर, तो अब हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के यहाँ जाके निवेदन किया कि वो हमारी अगुवाई करें, वो हमको संरक्षण दें, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई राजनीतिक दल का नेता इसमें नहीं आवे। आने को व्याकुल थे, राजनारायण जी थे नहीं, अब नहीं रहे, हमारे बड़े करीबी थे मधुली में जॉर्ज फर्नांडिस, ये सभी लोग उसमें ये चाहते थे, अटल जी को लोग ले आना चाहते थे, विद्यार्थी परिषद वाले, हम लोग कहा कि नहीं, तब दलीय आंदोलन हो जाएगा। ये जयप्रकाश नारायण का चेहरा निर्दल है, ये है, और उनका एक कॉल बराबर आ रहा था, यूथ फॉर डेमोक्रेसी, नौजवान डेमोक्रेसी बचाने के लिए आगे आए, और जब उनके यहाँ 21 मार्च को जाके हम लोगों ने एक तरह से धरना दे दिया, अनशन कर दिया, 8 बजे रात से 2 बजे रात तक उनका पैर पकड़ के कि आप हमारी अगुवाई करिए, तब वो माने, इस शर्त पर कि 8 अप्रैल को 1974 के 8 अप्रैल को एक मौन जुलूस निकलेगा, जिसमें 1000 से अधिक वॉलंटियर नहीं होंगे, और उनके मुंह पर काला बिल्ला होगा, और वो खुली जीप पर चलेंगे, और हम लोगों ने फिर छांट के 1000 वॉलंटियर का पूरे शहर में परिक्रमा किया, और 9 तारीख को गांधी मैदान में वो सभा हुई, और सभा में मैंने ही ऐलान किया कि आज से हमारे नेता जयप्रकाश नारायण हैं, और लालू यादव ने अध्यक्षता की उस सभा की, दो ही छात्र नेता उन दिनों जाने जाते थे, और तब से लगातार हम लोग आंदोलन में, संघर्ष में जूझते रहे हैं। भिन्नता हम इस मामले में देखते हैं कि कमिटमेंट इनके साथ भी है, और कमिटमेंट उसके वहाँ भी था, लेकिन वो कमिटमेंट ऑल पीपल था, यहाँ एक वर्ग है, और पूरा देश में ये जोर नहीं पकड़ रहा है, इसमें कहीं कमजोरी है, विपक्षी भी अपना चेहरा छुपा रहे हैं, उनको भी आना चाहिए था, ऐसे कार्यक्रमों में समर्थन में आना चाहिए था, तो विपक्षी जिस प्रकार से विकलांग हो गया है इस देश में, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। उस वक्त विपक्षी बिन बुलाए हम लोग की सभा में मंच के नीचे खड़े होते थे, और 1 साल तक ये फैसला था कि किसी राजनीतिक दल के नेता को मंच पर भाषण नहीं करने देंगे और चढ़ने भी नहीं देंगे, लेकिन बावजूद वो आते थे,
कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, राजनारायण, मधुली में, और वो भीड़ में होते थे। लेकिन लड़कों में कोई ये नहीं होता था, वो कहता वो उनका था कि उनके लिए कुर्सी लगा दी जाती थी। तो आज मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष बिल्कुल अश्मशानी चुप्पी में है। इतना बड़ा किसान आंदोलन हो रहा है, कोई एकाक बयान दे के चुप लगा जा रहा है। ये फर्क मैं पा रहा हूँ कि आज विपक्ष बिल्कुल मृतावस्था में है, कैसे विकल्प वो बना पाएगा हमको समझ में नहीं आता है। और ये आंदोलन को और जन जन तक जाना चाहिए। इस आंदोलन का हिस्सा बेरोजगारी होना चाहिए, इस आंदोलन का हिस्सा शिक्षा में सुधार भी होना चाहिए, इस आंदोलन का हिस्सा स्वास्थ्य सुधार में होना चाहिए जो कमियां हैं देश में, और इन चीज़ों को जोड़कर इसको बड़ा एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। वो जेपी का आंदोलन बड़ा स्वरूप था और वो बड़ा जन आंदोलन था। ये चार पांच प्रदेश में किसान जहां उनको लाभ मिल रहा था वो तो बड़े जागरूक हैं और वो लड़ रहे हैं, ये मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की और मैं बधाई देता हूँ इनको। जहाँ वो जानते ही नहीं हैं एमएसपी हमारे यहाँ बिहार में, वो ये जानते ही नहीं हैं कि सरकार खरीदती है और बेचती है और दाम क्या तय करती है। ये दुर्भाग्य है कि वहाँ जात पात धर्म में बांट के पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाकों में, बंगाल के इलाकों में या उड़ीसा के इलाकों में इस बात को फैलने नहीं दिया कभी। किसानों का एक वर्ग बन नहीं पाया और इस इलाके में किसानों का वर्ग है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी हिस्से में, पंजाब में, राजस्थान के हिस्सों में। मुझे ये खुशी है कि हमारे किसान इस इलाके के जगे हुए हैं, इनका एक वर्ग है, इनकी न जात है, न कोई धर्म, न पार्टी है, न कोई धर्म है। ये जज्बा है इनमें, वो जज्बा अभी पैदा नहीं हो पाया है पूरे देश में, वो जज्बा पूरे देश में पैदा करना होगा। ये मेरे कुछ एक सवाल आपकी, आपने एक पहली बात कही थी कि जैसे कि किसान नेताओं को इलेक्शन में उतरना चाहिए, आपने खुद कहा कि युधवीर जी वगैरह आए और इलेक्शन लड़े, तो क्या आपको लगता है? कहा मैंने कहा हाँ, लेकिन आना उतरना चाहिए। नहीं, ये भी मैंने कहा उतरना चाहिए, मैंने कहा आंदोलन के लिए उतरना चाहिए, जाना चाहिए। यहाँ बड़े अच्छे अच्छे बक्का मुझको दिखे जो जाके किसानों को, उन किसानों को जो समझ नहीं रहे हैं उनके बीच जाके उनको समझाने का काम करना चाहिए। चुनाव हमारा मुद्दा नहीं है जी। मेरा आखिरी प्रश्न, क्या आपको लगता है कि भारतीय किसान एक राजनीतिक क्लास बन पाएगा या एक राजनीतिक दबाव ग्रुप या प्रेशर ग्रुप जिसे कहते हैं बन पाएगा इस आंदोलन के बाद? जरूर बनेगा। क्या उत्तर प्रदेश में या कोई आपकी टिप्पणी हो इस बात पे आगे? तो अब ये हम नहीं जानते उत्तर प्रदेश में कितना बनेगा और ये मुद्दा भी नहीं है हमारा अभी कि हम चुनाव में प्रभावी बने और चुनाव में हमारा आकलन हो, जब हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं और इसमें लोग जो हैं वो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं तो फिर हम उसके बारे में आकलन भी क्यों करें। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि भाजपा को हराओ और जो जीतता हो उसको हराने वाले को जिताओ। माहौल अभी देश भर में जन आंदोलन का नहीं बन पाया है। इसको जन आंदोलन का जब स्वरूप मिल जाएगा, इसमें छात्रों की भागीदारी होगी, नौजवानों की भागीदारी होगी, मजदूरों की भागीदारी होगी। आज रेल बिक रहा है, भेल बिक रहा है, तेल बिक रहा है, हवाई पट्टियाँ बिक रही हैं, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं, आदिवासी, दलित सारे मिलके जब एक मुद्दे को बढ़ाना पड़ेगा। अभी ये तीन बिल के अलावे लोग मुद्दे को और थोड़ा व्यापक बनाना पड़ेगा, तब ये जन आंदोलन बनेगा और आने वाले दो तीन वर्षों में भारत की राजनीति को बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगा और ये रूल करेगा। ये मेरी आशा है कि अगर ये पूरे व्यापक तौर पे अगर इन तमाम मुद्दों को जोड़कर एक जन आंदोलन की प्रक्रिया खड़ी हो जाएगी तो इस देश की राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी।